जय हिंद दोस्तों। अभी सामने से एक ट्रेन आ रही है और ये ट्रेन है दोस्तों वाराणसी नहीं सॉरी प्रयागराज जंक्शन से चलकर दोस्तों आपकी बलिया को जाने वाली प्रयागराज जंक्शन बलिया मेमू, जो कि एक फुली अनरिजर्व ट्रेन होती है दोस्तों। और एक प्यारा सा अराइवल आप देख सकते हैं इसका, बनारस रेलवे स्टेशन पर इसका अराइवल हो रहा है। डेली सर्विस है दोस्तों, क्योंकि बहुत से जो लो क्लास के लोग होते हैं, जो गरीब जनता होती है, उनके दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट साधन बनता है ट्रैवलिंग करने का। दोस्तों मैं बता दूं, इंडियन रेलवे को क्योंकि यहाँ से कोई रेवेन्यू तो जनरेट होती नहीं है, तो इसलिए इनका मेंटेनेंस ही बहुत ही ख़राब होता है और एक तरह की फ्री ही सर्विस चल रही है। आप कह सकते हैं दोस्तों कौन इस पर से टिकट लेता होगा, या किसी की टिकट चेकिंग हो भी रही है कि नहीं भी हो रही है, इसका बहुत बड़ा डाउट है। पर दोस्तों रेलवे को कुछ ना कुछ तो समाज सेवा करना भी जरूरी है। जहाँ रेलवे लगातार रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए ऐसी कोचेस लगाता जा रहा है, भाई दोस्तों ये ट्रेनें भी जरूरी है हमारे देश के लो वेज वर्कर्स के लिए इम्पोर्टेंट साधन बनने का टाइम है। और बहुत से डेली लोग भी इसको यूज़ करते हैं। दोस्तों बता दूं कि अब ये 5 मिनट में फिर यहाँ से निकलेगी और टोटल अभी बलिया पहुँचने में इसको 1.5 से 2। अब इसे दोस्तों छोटा बच्चा भी दौड़ रहा है इस ट्रेन को पकड़ने के लिए। बहुत से दोस्तों ये छोटे लोगों का एक इम्पॉर्टेंट साधन होती हैं। पहले इंटरनेट में इसे पैसेंजर ट्रेनें कहता था, लेकिन अब कुछ स्पेशल के नाम से चला रहा है इसको। तो क्यों स्पेशल के नाम से चलाया जा रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है।